तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 के जुलाई के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज मैंने अभी ही लिया है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सैमसंग S24 के नए अपडेट की, जो कि आपको मिलेगा जुलाई के अंदर। जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो वीडियो को एटलीस्ट पूरा देख लें, और इस वीडियो में क्या मतलब इस अपडेट में क्या मिलने वाला है सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे चाह रहा हूँ फेसबुक पर भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ S24 के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर चले आना है। तो आप देखेंगे नया अपडेट यहाँ पर अलॉट हो चुका है। फिलहाल ये अपडेट जो है थोड़ा पुराना हो चुका है। इस अपडेट में 322 MB का ये अपडेट है। 1 जुलाई की सिक्योरिटी अपडेट है और ये 1UI 6.1 में अपडेट किया गया है। अब बात करें इस अपडेट में क्या है। इस अपडेट में कुछ डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए गए हैं, कुछ बग्स फिक्स आउट किए गए, और ओवरऑल इसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का अपडेट दिया गया और कुछ छोटे मोटे फीचर्स को ऐड ऑन किया गया होगा। बट सबसे बड़ी बात की इस अपडेट को करने के बाद आप इसमें डाउनग्रेड नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, और इस अपडेट को आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आप इसको पहले तो कर लेते हैं अपडेट, फिर अपडेट करने के बाद मैं बताता हूँ कि इसमें आपको क्या मिला, कैसा मिला, क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इसको होने देते हैं पहले तो अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको यहाँ से आपके सामने कर लेता हूँ उसको अनलॉक। फाइनली हो चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। अब अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पे, और ये अपडेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब अपडेट की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 3922 अपडेट था 322 MB का, और इसमें कुछ एनहांस कुछ फीचर्स को एड ऑन किया गया, सिक्योरिटी को अपडेट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। और मैं यहाँ पर ले जाऊँ आपको अबाउट में। तो अबाउट में देखेंगे तो यहाँ पर 1UI 6, यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 की यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट दे दी गई है, और साथ में यहाँ पर 1UI 6.1 का अपडेट ही यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर चलने में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपडेट्स के बाद यहाँ पर इजीली यहाँ पर पूरा वर्किंग कर रहा है। वैसे भी मेरा अभी तो अभी ज़्यादा पुराना है नहीं, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर ये अच्छे से वर्किंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। जितने भी आप ऐप्स को यहाँ पर खोलेंगे, उसके बाद सबको आप चलाएंगे, तो यहाँ पर सब इजीली यहाँ पर आपको रनिंग होते हुए दिख जाएंगे। तो ओवरऑल इस अपडेट में सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है, कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए गए, और कुछ परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो आपको इसको अपडेट को करना चाहिए। इस अपडेट के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नए चेंजेस और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं हर बात बोलता हूँ, किसी भी ऐप का या कहीं का भी अपडेट हो, अपडेट करते रहना चाहिए, बिकॉज अपडेट से सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि आजकल जो नए नए मालवेयर आ रहे हैं ना, वो मोबाइल को या फिर आपके डेटा को हार्म कर सकते हैं, या फिर एक्सेस कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाता है पर मंथ। जैसे कि सैमसंग हर पर मंथ में अपडेट देता है, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट किया जाता है वहाँ पर। तो आपको अपडेट करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।